अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन का मतलब हमारी जिंदगी में चीजें तय होनी चाहिए, तय होनी चाहिए कि हम ऐसे करते हैं, हमारा ये मार्ग है, हम ऐसे कार्य करते हैं, या हम हमारा एक ऐसा रूटीन रहता है। तो अनुशासन इसको जीवन में लाना पड़ेगा। अधिकांश तया अदरवाइज न लें, क्योंकि हम यहाँ क्या क्या कार्यशाला के साथ यहाँ अपन एक अनुसंधान रिसर्च भी करते हैं, और रिसर्च करके और उसको समाधान पर कार्य करते हैं। तो इस विषय की, जो अनुशासन वाले विषय की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, इस पे काम करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अक्सर कर पाया जाता है कि हमारे में अनुशासन की काफी कमी है। आप जनरली रिसर्च कीजिए, आप बहुत सारे साथियों का रिसर्च कीजिए, तो कुछ निश्चित ही नहीं होता है। वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। आज क्या बोलेंगे, कल कुछ और ही कर बैठेंगे, तो ऐसे तो कुछ भी हो नहीं सकता। और इस अनुशासन को जिंदगी में लाने के लिए हमने एक उपाय, जो हमने क्या तैयार किया, तैयार तो प्रलय करता है, हमें तो निर्देश मिलते हैं, हम उस पे आगे बढ़ते हैं। एक सफलता के अलार्म की डायरी, और वो अनुशासित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो सफलता के अलार्म की डायरी है, ये हम सबको बनानी है। अब ये भी वही अनुशासन की बात आएगी, इसमें बनाने में भी अनुशासन की बात आएगी, पर आप ठीक से बनाएंगे तो आपको अनुशासन में लाने में भी मदद करेगी। जिंदगी में जो हासिल करना है हमें, और जो उस हासिल करने का जो तरीका है, वैसे करने से ही हासिल हो सकता है। आप चाहो कि मुझे एवरेस्ट पर जाना है, या कुछ इसी टाइप का कुछ भी करना है मुझे, अब उसका एक तरीका होगा। एवरेस्ट पर जाना है तो पूरा उसकी नियमावली बनी हुई है कि भाई आपको ये लेकर आना है, इतने दिन आपको अभ्यास करना है, ये चीजें सीखनी है, उसे एग्जाम में पास होना है, आपका बॉडी फिजिक से ये होना चाहिए, वो सारा एक रूल रेगुलेशन है। आपको उतना सामग्री ले जाना है, आपको खाने के लिए क्या-क्या ले जाना है, बिल्कुल फिक्स है। आप 5 ग्राम भी उसको इधर-उधर नहीं कर सकते, तब जाके हम उस कार्य को कर पाते। अब आप बोलोगे, यार मेरा आज तो मूड नहीं है, मेरे तो ये खाने की ज्यादा इच्छा रहती है, तो मैं तो ये ज्यादा लेके जाना चाहता हूँ। वहां जाके गर्म खाना कौन बनाएगा, पकौड़ी खाने की इच्छा होगी तो कौन देगा। तो ऐसे करने से तो आप वो काम नहीं कर सकते हो जो जो कार्य करना आप चाहते हैं। तो जिंदगी में कुछ करना है तो आपको उसका जो निर्धारित मार्ग है उसको अपनाना पड़ेगा। जैसे अभी इतिकार भी अभी बात कर रहे थे, कल परसों भी हमने बात की कि आप अभियान प्रचार का क्या तरीका होना चाहिए, तो उसको एक निर्धारित करके और अच्छे से उसको सारी, अभी आपको स्पीकर भी चाहिए तो उसको स्पीकर भी होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट के एग्जाम्पल भी होने चाहिए तो वो भी होने चाहिए, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए अभी बहुत छोटी सी चीज है कि भाई आपको कंपेरिजन करने के लिए एक मार्केट का पाउच भी चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है, पर अनुशासन लगता है इसमें। और क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता, और कुछ भी नहीं लगता, एक अनुशासन लगता है। अनुशासनबद्ध व्यक्ति क्या करता है, उसके पास वो हमेशा पूरी तैयारी रहती है, फिर वो बोलता है मुझे बहुत मजा आ रहा काम, और दूसरा बोलता है कि मुझे उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। फर्क क्या है, फर्क क्या है? अभियान भी वही है, वीडियो भी वही है, जिनको आप दिखाने वाले हो वो भी वही है, उनके साथ भी वही है, आपके साथ भी वही है, सब कुछ वही का वही है। कमी क्या है? अनुशासन की कमी है। आप कुछ चीजों को
मिस कर देते। आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपने मूड के अनुसार, किसी दिन मूड है तो काम कर लेंगे, किसी दिन मूड नहीं है तो वो टाइम तो दे रखा था लेकिन आपका मूड नहीं है और न तो उनसे वापस बात की न कुछ किया, तो अनुशासन गया सफलता गई। तो इस बात को, इसका कोई और अल्टरनेट है क्या, कोई और ऑप्शन है क्या, कोई और समाधान है क्या, ढूंढो। है मुझे तो नहीं मिला, मुझे बुरी लाइफ हो गई, मुझे तो नहीं मिला है, आपको चाहिए तो आप ढूंढिए, नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया के इतिहास में किसी को ही नहीं मिला, आप भी ढूंढ के देखना चाहें तो ढूंढ लीजिए, लेकिन इसको जीवन में लाना पड़ेगा और ये आदत में लाना पड़ेगा, जीवन के आदत में आना बहुत जरूरी। ये अनुशासन भी एक आदत की चीज है, जिसमें नहीं है वो नहीं है, वो वैसे ही चलता है। आप क्योंकि कोई बात को सुन लेने, जान लेने से अगर जीवन में आ जाती है तो शायद हम तक, अब तक हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं। तो आपको निश्चय करना पड़ता है, आपको आदत में लाना पड़ता है, इसी के लिए, इसी के लिए, इसी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ समाधान, वो है सफलता के अलार्म की डायरी। ये आपकी आदत को अच्छा करने में, हेल्प करने में बहुत मददगार है। तो सभी साथियों को सफलता के अलार्म की डायरी बनानी है। उसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी गतिविधियों को, हम अपने तरीकों को, हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखने से क्या होता है कि हम पाबंद हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अनुशासन की प्रवृत्ति डेवलप होती है। तो सफलता के अलार्म की डायरी बनानी है और उसको पालन करना, अच्छे से पालन, तो उसका सारा जो फॉर्मेट है क्या होता है, उसमें सबसे पहले लक्ष्य बनाए जाते हैं कि हमारे गोल बोलो या लक्ष्य बोलो वो क्या है। उसके बाद हम अपनी आदतों की सूची बनाते हैं कि हमें क्या क्या आदतें बदलनी है, वो सूची बनाते हैं। फिर हम उसमें हमारे करने योग्य गतिविधियां हम लिख लेते हैं, गतिविधियां कि मैं प्रतिदिन ये गतिविधि करूंगा। मान लो आपने लिख लिया उसमें कि मैं प्रतिदिन कम से कम 2 अभियान, प्रतिदिन 2 से ज्यादा, कम से कम शब्द गलत निकल गया मेरे मुंह से, प्रतिदिन 2 से ज्यादा अभियान प्रचार करूंगा, आपने मान लो लिख लिया। तो लिखने से क्या होगा कि आप पाबंद हो जाएंगे, पाबंद होंगे तो काम होने लग जाएगा, काम होने लगेगा तो आपकी आदत में आ जाएगा और आपकी आदत में आने से परिणाम आ जाएंगे। तो प्रक्रिया बहुत छोटी है लेकिन परिणाम इस तरह से, तो आपने उसमें लिख दिया कि मैं सप्ताह में इतनी बार ऑनलाइन उस पे काम करूंगा, हाइजीन पे काम करूंगा, न्यूट्री चार्ट पे ये काम करूंगा, ये तैयारी करूंगा, जो भी वाट है जो आपको लिखना है, आपको अपने लिए स्वयं निर्धारित करना, ये उसमें बड़ी सुविधाजनक बात है कि आपको खुद ही निर्धारित करना है, आपको कोई पाबंद नहीं कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, इतना ही क्यों लिखा, ज्यादा क्यों नहीं लिखा, वो आपको छूट है, आप बदल भी सकते हैं। आपको लगता है कि हमने ऐसा लिख लिया है लेकिन ये मैनेजेबल नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कम लिख लिया तो बढ़ा सकते हैं, ज्यादा लिख दिया तो, या किसी गतिविधि को आपको अब उतनी आवश्यकता नहीं है तो आप उसकी जगह दूसरी गतिविधि लिख सकते हैं, वो पूरी छूट है, लेकिन तैयार करना है, अनुशासन से उसका पालन करना है। ये सारी जो बात आ रही है, ये जो शिक्षा आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये अस्तित्व से आ रही है, ऊपर की प्रेरणा से आ रही है। शायद जब गुरुकुल नहीं था या हम ये, तो उससे पहले मेरे जहन में या आपके किसी के जहन में शायद ये शब्द नहीं होगा, था ही नहीं, हम ऐसा कुछ सोचते भी नहीं थे, लेकिन ये एक जो मंच मिला है हमें, जहां हम एक दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद निर्मित होते जाते हैं, ऊपर वाला हमारे को
वो मार्ग बताता जाता है। चलना किसको है? चलना भी उसी को ही है या चलना हमें? तो ऊपर वाले बताए मार्ग पर अगर हम चलते जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता कि आप एक ऐसी कहानी का निर्माण कर सकते हैं जो शायद इस धरती पर कभी हुई नहीं। आप सारा रिसर्च कर लीजिए, आप अपने खुद की गतिविधियों का, आप अपने टीम के साथियों का, आप अदर साथियों का, आप पूरा रिसर्च कर लीजिए, एक ही चीज तो लगती है, अनुशासन। वही तो छूट रहा है, वही तो कमी पड़ रही है। जब हम रोज बातचीत करते हैं तो हमारे सामने वो सारी चीजें आती है। इसलिए सफलता के अलार्म की डायरी को गांठ मान लीजिए और उसको ठीक से आप बनाइए। उसके बारे में आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में जाकर, सफलता के अलार्म की डायरी का यूट्यूब में वीडियो है, हर विषय के वीडियो है। बहुत सारे साथी बहुत टाइम से उसका कर रहे हैं, आप अपने लिए इसको सर्वश्रेष्ठ बनाइए और उसके अनुसार आप कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास एक रूपरेखा तो होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको एक ही दिन में बनानी है, आप धीरे 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 उसमें लिखते जाइए, जो बात समझ में आ रही है उसमें जोड़ते जाइए, गलत हो गया है चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, कोई रुकावट नहीं, लेकिन बनानी जरूर, सभी साथियों को बनानी है। ऐसा नहीं है कि 10-20-100 साथी जो आएंगे उनको बोलना है, उन्हीं को बनाना है, सबको बनाना है, सबको बनाना है, तभी लाभ होगा। सुनने से तो नहीं होने वाला, ये तो तय है, ये तो निर्धारित है कि सुनने से नहीं होने वाला है, कुछ करने से होने वाला है।